आप सिटीज देख रहे हैं मैं आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजधानी पटना से बताने जा रहे हैं कुछ लोग दबिश दे रखे और देखिए जब पत्रकार नगर की पुलिस और एटीएस की टीम वहां पहुंचती है तो अठारह ग्राम यूरेनियम के साथ नौ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो विस्फोटक सामानों को बनाने में बनाने में उपयोग में आता है और उसी यूरेनियम के साथ कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है में किस तरीके से तमाम लोगों को अब पत्रकार नगर थाने की पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके गाड़ियों में बैठा रही है गाड़ियों में बैठा के अब उन्हें पूछताछ के लिए भेजा जा रहा है पूछताछ में पता लगाया जाएगा कि आखिर कहां से वो यूरेनियम लेकर आए और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि नेपाल के भी दो युवक पटना पुलिस के और के और एटीएस हाथ लगे हैं नेपाल से लगातार ऐसे सामने मामले आते हैं कि नेपाल के रास्ते कुछ लोग यूरेनियम की तस्करी करते हैं और बिहार में जिस तरह से सीमावर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहां से यूरेनियम के साथ कई लोग गिरफ्तार होते हैं और यह मामला देखिए जो है सूचना यानी इनपुट मिली और इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है पथकार नगर के पुलिस टीम के साथ वहां पर एटीएस की टीम पहुंचती है और कुल नौ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है आपको बताएं कि 1800 ग्राम यानी एक किलो 800 ग्राम यूरेनियम के साथ पुलिस ये अब पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये यूरेनियम के साथ कर क्या रहे थे और आपको बताएं पटना में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के बाद लगातार एटीएस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है लगातार अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है और इसी बीच यूरेनियम के साथ एक किलो से ज्यादा मात्रा में लोगों को गिरफ्तार किया गया है नौ तो लोग पुलिस के हिरासत में हैं उनसे अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर यूरेनियम कहां से लाए क्या कर रहे थे इतने भारी मात्रा में यूरेनियम के साथ ये लोग करने क्या वाले थे क्योंकि भारी मात्रा में यूरेनियम इन लोगों के पास से मिले हैं विजुअल में देखिए कि किस तरह से तमाम लोगों को पुलिस ने अब हथखरीब डाल दिए उनके हाथों में अब और उनसे अब पूछताछ करने के लिए ले जा रही है पूछताछ में पता लगाया जाएगा और जिस तरह से इन दिनों लगातार एटीएस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है बिहार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच देखिए 1800 ग्राम यूरेनियम के साथ कुल नौ लोगों को नेपाल के भी दो लोग बताए जा रहे हैं कि इसमें संलिप्त पाए गए हैं और उन्हें भी पुलिस ने उठा लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है विजुअल में साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पत्रकार नगर थाने से उन्हें निकाला जा रहा है और निकालने के बाद उन्हें अब पूछताछ के लिए भेजा जा रहा है अब पुलिस ये पता लगाएगी कि यूरेनियम असली है या फिर नकली है या ये यूरेनियम से आखिर करने क्या वाले थे क्या देश को हिलाने के लिए क्या एक बड़ी साजिश फिर से बिहार में रचनी जा रही थी या फिर यूरेनियम से क्या कुछ होने वाला बहरा इसको बोल सकता है अगर आपने अब तक लाइव चीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव चीज को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो करना वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल बिना बुद्ध धन्यवाद